नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति को लेकर लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, किस तरीके से क्या किसानों की मांगे हैं और किस तरीके से उन मांगों को लेकर किसानों के पक्ष में पैरवी करते हुए सांसदों ने वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री और इस विभाग से जुड़े अधिकारियों के सामने रखी है, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए और क्या किसान चाहते हैं, ये भी बात हमने आप तक पहुंचाई है। और ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी दिल्ली से ये खबर आ सकती है कि सरकार ने नई अफीम नीति 2022-23 जारी कर दी है, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अफीम नीति जारी हो सकती है, क्योंकि अब जो है बड़ा वक्त कम बचा है नई अफीम नीति जारी होने को लेकर। वहीं दूसरी बात की जाए तो हमने आपको बताया था किस तरीके से अफीम नीति में क्या बदलाव हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके पास दिल्ली से सूत्रों जो खबरें थी कल हमने आप तक पहुँचाई थी और बताया था कि सरकार इस बार किस तरह की राहत किसानों को दे सकती है और CPS में पट्टे बढ़ा सकती है और एक समान पट्टे जो है इस बार जारी कर सकती है सरकार। वहीं अगर बात की जाए तो इन खबरों के बाद अमेरिका से नीमच के पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू ने हमें अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाई है। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि ये सही बात है कि CPS में इस बार अफीम के पट्टे मिल सकते हैं, लेकिन किसानों की जो वाजिब मांग है उस पर भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम आपको बताते हैं किस तरीके से उन्होंने क्या कहा अपनी प्रतिक्रिया में। मालवा मेवाड़ के हजारों अफीम किसानों को नई अफीम नीति 2022 से 23 का बेसब्री से इंतजार है और खबरें ये भी आ रही है कि कभी भी दिल्ली से अफीम नीति जारी हो सकती है। इस बार CPS में कई पट्टे बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसे लेकर बुधवार को वॉइस ऑफ एमपी ने खबर प्रकाशित की थी और कई बड़ी बात बताई थी। वहीं इस खबर के प्रकाशित होने के बाद नीमच पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू ने अमेरिका से अफीम पॉलिसी पर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई है। उन्होंने लिखा है कि यह सत्यता के निकट बात है कि केंद्र सरकार इस वर्ष भी अफीम नीति में ये नए पट्टे और पूर्व में कटे पट्टों को पुनर्जीवित कर सकती है। CPS पद्धति से अफीम उत्पादन करने की शर्त पर जब अफीम कारखाने का उन्नयन हो रहा है एवं निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ लंबे समय तक का अनुबंध सरकार ने सीधे डोरे से अफीम निकालने का कर लिया है, तो निश्चित ही अफीम कारखाने और निजी फर्म के अनुबंध के लिए अफीम के उत्पादन को बढ़ाना सरकार की दुर्गामी नीति में होगा। बगैर उत्पादन बढ़ाए अफीम कारखाने का उन्नयन और निजी क्षेत्र से अनुबंध कोई मायने नहीं रखता है, ये तो स्पष्ट रूप से पूर्व अनुमानित है कि अफीम के पट्टे बढ़ाए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जिस पुरानी विधि से अफीम किसान अफीम के पट्टे चाहता है, क्या उस विधि से पट्टे मिलेंगे या सांसदों की सभी वे मांगे मानकर जिसमें सन 1995 से लेकर सन 2022 तक विभिन्न कारणों से कटे पूर्व पट्टेधारियों को नवीन पट्टे CPS पद्धति के तहत देने की नई नीति घोषित केंद्र सरकार का वित्त विभाग कर सकता है। ऐसे में बात ये भी है कि क्या CPS पद्धति से अफीम उत्पादक किसान अफीम के पट्टे लेने को तैयार होगा। CPS पद्धति में सरकार बगैर चीरा लगी अफीम डोडे और 6 इंच के डंठल सहित ले रहा है, तो आने वाले समय में मॉर्फिन की कितनी मात्रा हो इसका नियम कोई मायने नहीं रखेगा। सरकार मॉर्फिन की मात्रा में राहत देकर CPS पद्धति से पट्टे दे सकती है। विगत वर्ष से CPS पद्धति से अफीम उत्पादन करने की नीति का निरंतर विरोध अफीम उत्पादक क्षेत्र के किसान विभिन्न आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं, जिसका पुरजोर समर्थन मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी किया है। एक और प्रमुख मांग अफीम की कीमत बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिसे सरकार मान सकती है इसी शर्त पर कि अफीम का उत्पादन CPS पद्धति से करे। सरकार CPS पद्धति के समर्थन में ये कह सकती है कि पुरानी चीरे वाली पद्धति से इसकी लागत कम आएगी, उसका लाभ किसान को मिलेगा और वह उसको युक्तियुक्त करण कर कीमत तय कर देगी। संक्षिप्त में यही अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार का वित्त विभाग सैद्धांतिक रूप से तैयार है अफीम के पट्टे बढ़ाने को, लेकिन वे पट्टे CPS पद्धति के माध्यम से ही देगी। दिलचस्प बात यह देखने को होगी कि क्या अफीम उत्पादक किसान, जिसमें वे सभी किसान जो विभिन्न कारणों से अपात्र हुए हैं और नए किसान CPS पद्धति से पट्टे लेकर अफीम उत्पादन करने को तैयार होंगे भी, तो कितने प्रतिशत। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय अफीम उत्पादन के लिए जिस नीति से काम कर रहा है उसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकार सांसदों की और अफीम उत्पादक किसानों की सभी मांगे मान भी लेगा, लेकिन शर्त ये होगी कि पट्टे CPS पद्धति से ही मिलेंगे। यह आश्चर्य की बात है कि जब क्षेत्र का कृषक विभिन्न उपजों को आधुनिक तरीके से और तकनीकी अपनाकर उत्पाद ले रहा है, पारंपरिक खेती के तरीके में परिवर्तन करके फिर अफीम की खेती क्यों पारंपरिक तरीके से करने के लिए दबाव बना रहे हैं और अफीम उत्पादन क्षेत्र के विभिन्न किसान संगठन किसान और जनप्रतिनिधि पारंपरिक तरीके से खेती करने के लिए निरंतर सरकार के विभाग और मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं।
पारंपरिक तरीके से अफीम उत्पादन करने का कोई तथायात्मक औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। अगले 3-4 वर्षों में 100% अफीम का उत्पादन CPS पद्धति से हो जाएगा। CPS पद्धति से अफीम उत्पादन करने वाले किसान को सबसे बड़ी राहत NDPS एक्ट से मिलेगी, जब ना तो उसके पास अफीम रहेगी, ना ही डोडा चुरा रहेगा और ना ही उसको नष्ट करने की जिम्मेदारी। ये सारे कार्य सरकार स्वयं करेगी या करवाएगी तो फिर इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। सरकार बहुत चतुराई से CPS पद्धति से नए पट्टे आवंटित करने की नीति बनाकर अफीम उत्पादक क्षेत्र के कृषकों और जनप्रतिनिधियों के पाले में गेंद को फेंक सकती है कि उसने जनप्रतिनिधियों की लगभग सभी सुझावों को मानकर नई अफीम नीति बनाकर नए और वर्षों से रुके पट्टों को पुनः जीवित कर दिए एवं अफीम गाढ़ता की जाँच की भी जरूरत नहीं है, जिससे सरकार कह सकती है कि उन्होंने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए लगभग सभी सुझाव मानकर नई नीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP।